हेलो एवरीवन तो कैसे हैं आप लोग स्वैक्स स्वागत है आप सभी का मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यार विकेशन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और देखिए बेटा हम लोग हैलोअल केन्स एंड हैलोअरस में लेक्चर फाइव में आ गए लेक्चर फोर तक हम लोगों ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से देखा जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं बेटे वो लोग वो लेक्चर्स जाके जरूर देखें बहुत ही हेल्पफुल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जीरो टू तो सुपरियोर लेवल के लेक्चर्स हैं बहुत इंजॉय करोगे डेफिनेटली आप ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे किसकी जेडीजी सेक्शन की तो जेडीजी सेक्शन की बात अगर हम करें तो बटे यहां पर देखो हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में वो देखते हैं सो फर्स्ट विल डिस्कस कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग है ना बीबी एंड देन क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल काफ कटाइन एंड देन फॉर्मेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ नॉन क्लासिकल काफ कटैन देर इज ऑल्सो कॉल्ड एनसीसी है ना एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन क्लासिकल काफ एंड देन रिएक्शन इन्वॉल्विंग नॉन क्लासिकल काफ कटैन एनसीसी

and then एडिशन ऑफ बी आर टू ब्रोमी विथ पी पी एस पोलर प्रोटिक सोलवेंट एंड देन एडिशन ऑफ एचओ एक्स एंड एनओसीएल एंड देन एडिशन ऑफ एनओसीएल एंड आईसीएल तो ये सारी चीजें बेटा हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं और आप देख रहे हो कि हम लोग कितनी मस्त और जबरदस्त चीजें यहाँ पर सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में तो एकदम मस्त और जबरदस्त धमाकेदार सेशन है बेटा ये खूब जबरदस्त तरीके से इंजॉय करेंगे आप पेन कॉपी लो एकदम कूल माइंड से एकदम माइंड को करके एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से लेक्चर को एंजॉय करो प्रॉपर साथ में नोट्स बनाते हुए है ना एंजॉय करते हुए देखेंगे हम लोग इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने वाले हैं मस्त और जबरदस्त तरीके से तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के लेट्स रोल तो बेटा बात सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग बहुत सिंपल सा है बीबी -बी. तो बीबी -बी की कंडीशन क्या होगी थोड़ा सा ये समझते हैं सो कंडीशन फॉर बीबी तो बीबी -बी की कंडीशन बेसिकली क्या है बेटे है ना बैक बॉन्डिंग का कंडीशन बेसिकली क्या है कि आपके पास एक खाली डब्बा होना चाहिए एक खाली डब्बा होना चाहिए और एक भरा हुआ डब्बा होना चाहिए तो देखिए खाली डब्बा है और एक भरा हुआ डब्बा है सो एक खाली डब्बा होना चाहिए और एक खाली डब्बा होना चाहिए एक भरा हुआ डब्बा होना चाहिए और उनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए सो एक खाली डब्बा एक भरा हुआ डब्बा और उनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और वो जो खाली डब्बा है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या वैकेंट पी या डी हो सकता है वो खाली पी का डब्बा हो सकता है खाली डी और बेडल का डब्बा हो सकता है या फिर उस पॉजिटिव चार्ज हो सकता है तो एक खाली डब्बा जो है उस पर वैकेंट पी डी या फिर उस पर कौन सा चार्ज हो सकता है पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और जो भरा हुआ डब्बा है वो इलेक्ट्रॉन से भरा होना चाहिए मीन्स उस पर लोन पेयर हो या फिर निगेटिव चार्ज हो तो क्या कंडीशन बताया कि भैया एक खाली डब्बा होना चाहिए एकदम माइंड में सेट करो बेटा हमेशा भाई बॉन्डिंग कंडीशन लगाना है आपको एक खाली डब्बा एक भरा डब्बा दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड और जो खाली डब्बा है उस पर चार्ज होना चाहिए या वैकेंट डी या वैकेंट पी और वाइटल होना चाहिए और जो भरा हुआ डब्बा है उस पर इलेक्ट्रॉन भरे होने चाहिए so, कंडीशन है राइट right? तो अब देखो होता क्या बेटा थोड़ा सा और समझते हैं जनरली जो पीरियड थ्री टू सेवेंथ थर्ड थर्ड पीरियड से लेकर सेवन पीरियड तक जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास वैकेंट डी और होते हैं जिंक ले लो कॉपर ले लो लाइक like, एल्यूमिनियम ले लो इन सबके पास वैकेंट डी ऑर बैटल्स होंगे तो जो भी थ्री टू सेवन आप टेबल में देख लेना थ्री टू सेवन तक पीरियड्स के जो एलिमेंट्स हैं बहुत सिंपल तरीका है पहचानने का मैं बता रहा हूँ है ना पीरियडिक टेबल तो बेटा आप सभी को याद ही होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें सो जनरली थर्ड सेवन पीरियड तक जो आइटम्स होते हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर बैटल्स होते हैं सम सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ऑल्सो हैव वैकेंट पी और बैटल्स जैसे कि बोरन सेकंड पीरियड में आता है बेरिलियम सेकेंड पीरियड में आता है आपका कार्बन भी सेकेंड पीरियड में आता है तो अगर बी एफ थ्री है तो उसके बाद सिक्स इलेक्ट्रॉन है वैकेंट और बाइटल है दो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास और बाइटल है बेटे है ना इसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है बात समझ लो दो इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसके पास भी सिक्स और बाइटल है इसके पास भी देखो सॉरी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास भी वैकेंट पियोर बाइटल है तो इसके पास वैकेंट प्योर बाइटल क्योंकि पी ब्लॉक का है वैकेंट प्योर बाइटल पी ब्लॉक का है वैकेंट प्योर बाइटल पी ब्लॉक का है और देखो यहाँ पर यहाँ पर सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो एक और बेटल और चाहिए जैसे कि दो इक्ट्रॉन और ले सके तो इसके पास खाली डब्बा इसके पास भी खाली डब्बा और देखो बेरिलियम भी सेकंड पीरियड का इसके पास तो फोर इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी खाली डब्बा है दो खाली डब्बे हैं कार्बन है सेकंड पीरियर इसके पास खाली डब्बा है कार्बन है इसमें पछता है इसके पास भी खाली डब्बा है सो ऑल एलाइलिक काब काटैन हैव वैकेंट प्योर मेटल्स अलाइलिक मतलब सिंपल अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ प्लस चार्ज अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ प्लस चार्ज सिंपल तो इसको बोलते हैं एलाइलिक काब कटाइन जितने भी एलाइलिक काब कटैन होते हैं बेटे उन सबके प्योर मेटल्स होते हैं चीज मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका है कि एक प्लस चार्ज और एक लोन पेयर एक बॉन्ड बनाता है जहां पर लोन पेयर है वहां प्लस चार्ज आता है तो एक प्लस प्लस चार्ज चार्ज एक लोन प्यार एक एक लोन लोन पेयर पेयर बॉन्ड बनाता है है बेटे और जहां पर लोन प्यार वहां प्लस चार्ज आता है। एक खाली डब्बा और एक लोन पेयर एक बॉन्ड बनाता है जहां पर खाली डब्बा है वहां पर माइनस आता है और जहां पर लोन पेयर है वहां प्लस आता है ये बात मैं आपको एक लाख एक बार बार बोल चुका हूं बहुत बार बोल चुका हूं इनका सिंपल सा छोटा सा आप एक मैकेनिज्म भी आप देख लो जैसे कि देखो बेटे ये प्लस चार्ज है इसके पास इसके मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और देखो यहां पर लोन पेयर है तो यह क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो प्लस तो ऑलरेडी था एक माइनस आएगा और इलेक्ट्रॉन गया तो देखिए ये आ गया और चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां से एक चला गया तो एक बचा और इलेक्ट्रॉन चूंकि गया है तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया आप ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे देखिए बॉन्ड बना दिया और ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे देखिए न्यूट्रलाइज हो गया यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है और ये प्लस बच गया तो सिंपल एक प्लस चार्ज एक लोन पेयर ने एक बॉन्ड बनाया और जहां पर लोन पेयर था वहां प्लस आया अब देखो ये खाली डब्बा है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन देखिए चला गया दिया तो माइनस चार्ज आ गया यहां दो थे तो देखो एक बचा और चूंकि इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस आ गया अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर म्यूचुअली आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे बॉन्ड बना लिया और देखिए यहां पर माइनस यहां पर प्लस चार्ज आ गया तो एक खाली डब्बा और एक लोन पेयर बेटा एक बॉन्ड बनाएगा और जहां पर खाली डब्बा है वहां माइनस जहां पर लोन पेयर वहां प्लस चार्ज जा आएगा तो मुझे लगता है बैक बॉन्डिंग बीबी का कंडीशन आपने देख लिया लोन पेयर प्लस का कंडीशन क्या है वैकेंट और लोन पेयर का कंडीशन क्या है वो आपने समझ लिया राइट तो यहां तक बात तो आपको क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है ठीक है अब थोड़ा सा बात करते हैं बेटे है ना काप के बारे में क्या कि क्लासिकल और नॉन क्लासिकल काटैंस क्या होते हैं सो so हम बात करें किसकी? क्लासिकल काप काटैन सीसी एंड नॉन क्लासिकल काटैन है ना एन सी सी mm. N तो अगर हम बात करें बेटे यहां पर काप की तो एक क्लासिकल काप होता है और एक नॉन क्लासिकल काप होता है क्लासिकल वो होता है यहां पर कंप्लीटली डेवलप्ड पॉजिटिव चार्ज होता है या कंप्लीटली डेवलप्ड काटैन होता है है ना कंप्लीटली डेवलप्ड पॉजिटिव चार्ज होता है या कंप्लीटली डेवलप्ड काप काटैन हो देखो यहाँ पर कंप्लीटली डेवलप्ड प्लस चार्ज है यहाँ पर कंप्लीटली डेवलप प्लस चार्ज है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर, पर भी है तो ऐसे काप कटैन को हम लोग क्लासिकल काप काटाइन काप काटैन का मतलब होता है पॉजिटिव अब ये पॉजिटिव जो है बेटा ये आपका कंप्लीटली डेवलपड भी हो सकता है या फिर ये पार्शियल भी हो सकता है कंप्लीटली डेवलप्ड की बात करते हैं तो क्लासिकल होता है और पार्शियल की बात करते हैं तो नॉन क्लासिकल होता है तो अगर हम बात करें नॉन क्लासिकल काप काटैन एनसीसी की तो यहाँ पर पार्शियली डेवलप्ड काप काटैन होते हैं पार्सली डेवलप का आपका होते हैं लाइक आपने कुछ तरह का कंपाउंड लिया आर सी सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू राइट right, कुछ तरह से है ना इस पर है पार्सलियल नेगेटिव तो इस पर है पार्सियल पॉजिटिव सो दिस इज पार्सली डेवलप्ट काटैन और अगर ये पार्सली डेवलप काफ काटैन है तो बेटा पार्सली डेवलप काफ काटैन में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है सो देर इज नो री इन ऑन पार्सनली डेवलप काफ काटैन इसका होता है नॉन क्लासिकल काटैन जो कभी भी बनेगा तो वहां पर कभी भी कभी भी कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा बट अगर क्लासिकल काटैन बन रहा है एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है सो इफ देर इज अ चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है सो रीअरेंजमेंट मे प्लेस देर इज नो रीअरेंजमेंट इन नॉन क्लासिकल काटैन तो आपको ये भी बात समझ में आ जाए ती है चलिए अब बात करते हैं बेटा क्या फॉर्मेशन ऑफ एंड मैकेनिज्म ऑफ नॉन क्लासिकल काफ कटाइन नॉन क्लेशियल कब का बनते कैसे हैं क्या उसका मैकेनिज्म होगा अब बेटा ये टाइम आ गया डिटेल से डिटेल में समझने का तो अब इस पूरे प्रोसेस को बहुत तगड़े से समझो इसकी कंडीशन बताऊंगा सारी चीजें बताऊंगा बढ़िया तरीके से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे बेटे तो देखो यहाँ पर जब बात करते हैं हम लोग एनसीसी की नॉन क्लासिकल कब के की तो ध्यान रखो बेटा यहाँ पर यहाँ पर नॉन क्लासिकल काव के में कोई यहाँ पर कॉन्जुकेशन की बात नहीं करेंगे हम कोई रिजनेंस की बात नहीं करेंगे यहाँ पर बात होगी तो किसकी होगी सिर्फ आई इफेक्ट की होगी यहाँ पर आई इफेक्ट काम करता है जैसे कि आप देखो यहाँ पर बेटा देखो कुछ इस तरह से ठीक है तो ये रिंग में आप देख रहे हो यहां पर प्लस चार्ज डेवलप है ठीक है एक एक तो तो एक तो मैंने आपको पार्सल डेवलप्ड काटैन की बात की थी तो वो हमने क्या बताया था आपको सी एच डबल वन सी एस टू जहां पर पार्सल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल काटैन क्या बोलते हैं इसको नॉन क्लास कार्बन पर पार्सियल पॉजिटिव चार्ज है तो नॉन क्लासिकल काप काटैन बट कुछ ऐसे भी नॉन क्लासिकल कटैन्स हो सकते हैं एनसीसी नॉन क्लासिकल कैटाइन की बात कर रहे हैं हम लोग तो अगर हम नॉन क्लासिकल कटाइन की बात करें तो इस तरह से अगर आप रिंग में आप देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज फंसा हुआ है तो उसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कटाइन सो इफ रिंग फॉर्मेशन एंड कटाइन इज इन रिंग तो उसको बोलेंगे एनसीसी नॉन क्लासिकल काफ कटाइन तो देखिए नॉन क्लासिकल काफ कटाइन है सॉरी कटाइन नॉट कार्ब काटैन क्योंकि कार्बन प्लस नहीं है है ना तो ये जैसे क्या बात हो ब्रोमीन प्लस फंसा हुआ है तो इसको बोलेंगे साइक्लोब्रोमिनियम आयन दिस इज नॉन क्लासिकल कटाइन इज ऑल्सो नॉन क्लासिकल कटाइन है तो इसको बोलेंगे साइक्लो हेलोनियम एन इज नॉन क्लासिकल तो नॉन क्लासिकल कटाइन क्या होता यह समझ में आ गया नॉन क्लासिकल काटैन क्या है वो भी आपने समझ लिया ठीक है ओके तो नॉन क्लासिकल काटैन क्या था बेटे पार्सिलइनस पार्सिल प्लस तो यह आपका था नॉन क्लासिकल नॉन क्लासिकल काटैन ठीक है एंड दिस इज योर वट क्लासिकल कैटाइन क्लासिकल कैटाइन तो यहां पर आयोडीन है इसलिए मैं साइक्लो आयोडिनियम आयन बोला इसको सो इफ रिंग फॉर्मेशन एंड कैटाइन इज इन रिंग देन उसको बोलेंगे एनसीसी अब ये कैसे बनता है नॉन क्लासिकल कटैन कैसे बनता है थोड़ा इसको समझते हैं पहले बेटा आप बता लो नॉन क्लासिकल आप कटाइन को पहचान लोगे नॉन क्लासिकल कैटैन को पहचान लोगे बात समझ रहे हो अब ये कैसे बनता है एनसीसी नॉन क्लासिकल कैटैन कैसे बनता है इसका क्या मैकेनिज्म है थोड़ा वो समझते हैं बात को चलिए देखिए सो फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कैटैन इसके लिए क्या होना चाहिए बेटा कि आपका एटम्स एटम मस्ट हैव लोन पेयर एंड वैकेंट है या पॉजिटिव चार्ज तो एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और उसके बाद वैकेंट या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए जैसे सी एल प्लस की बात करेंगे हम तो सीएल प्लस बेटा देखो सी एल पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेवन होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब आपने क्या किया इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ये वाले इलेक्ट्रॉन सबको हटा दिया तो सीएल पे हटा दिया तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो कौन सा चार्ज आएगा प्लस चार्ज आ अब कितने बचे सेव सिक्स बजे एक दो तीन चार पाँच छः छः इलेक्ट्रॉन होने चाहिए दट इसका मतलब इसका एक ऑर्बेटल खाली है तो खाली डब्बा प्लस चार्ज है ना और इसके पास देखो लोन पेयर्स भी है बात समझ रहे हो तो कहने का मतलब क्या है कि जो कटैन है उसके पास क्या होना चाहिए बेटा लोन पेयर है ना और वैकेंट ऑर्बेटल या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए जैसे एक्स प्लस की बात करें हम हाइड्रोजन की बात करें तो उसको हम हाइड्रोजन को भी ऐसे ही बोल सकते हैं नहीं बोल सकते बेटे लोजन को भी ऐसे बोल सकते हैं यहां पर हम एक्स लिख लेते हैं यही कुछ इस तरह से अब इसका क्या मैकेनिज्म होगा है ना तो जरूरी नहीं हैलोजन है कोई और सा भी हो सकता है कोई जो भी केस होगा बेटा हम लोग उसमें इस तरह से कंडीशन की बात करेंगे अभी ऐसा क्यों होगा वो हम समझेंगे और मैंने आपको अभी बताया था कि एक लोन पेयर प्लस चार्ज बेटे एक बॉन्ड बनाता है पर लोन पेयर प्लस आता है एक खाली डब्बा और एक लोन पेयर एक बॉन्ड बनाता है जहां पर खाली डब्बा वहां माइनस और जहां पर लोन पेयर वहां प्लस आता है इस चीज का ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे ठीक है चलिए अब देखिए बेटा यहां पर क्या है कि आपके पास की है ठीक है इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऊपर भी और नीचे भी आप बहुत अच्छे से बता पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पर ठीक पाई इक्ट्रॉन क्लाउड है ठीक है तो जो एक्स प्लस है उसको ये यह क्लाउड क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा अट्रैक्ट करेगा देखिए अट्रैक्ट किया सो so एक्स प्लस इज अट्रैक्टेड बाय पाई क्लाउड पाइक इसमें प्लस चार्ज है इलेक्ट्रोफाइल का, का काम कर रहा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो इसको खींच लेगा जब ये खींचेगा तो ये कैसे फंसेगा देखिए तो जरा देखिएगा यहां पर आर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अलकाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये राइट अगर अलकाइल ग्रुप है तो इसमें प्लस एच और प्लस आई है तो इक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस तरह से जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हुए होंगे राइट साइड में तो यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पार्सल पॉजिटिव है जरा देखिए कैसे बनेगा जरा आप गौर अब होगा क्या बेटा इस पर प्लस चार्ज है, इस पर लोन पेयर है प्लस चार्ज लोन पेयर तो इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू होगा देखिए बॉन्ड बनने लगा बीबी बी एम ठीक है और जैसे ही बॉन्ड बनने लगेगा तो बेटा ये बॉन्ड क्या होगा टूटने लगेगा तो यहां पर बी होने लगा अब इधर देखो बेटा इस पर अगर आप देखो तो यहां पर है माइनस और यहां पर है प्लस तो माइनस प्लस के बीच में भी इंटरेक्शन होने लगेगा तो यहां पर भी एक बॉन्ड बनने लगेगा बी होने लगेगा

देखिए ये फिलहाल प्लस तो इस पर जो प्लस था बेटे तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गया यहाँ पर अब ये लोन पे प्लस आज एक बॉन्ड बनाएगा और जहाँ पर लोन पे तो वहाँ देखिए खटा से बॉन्ड बना और देखिए यहाँ पर प्लस आ जा सो दिस फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल आपका टाइम आपने देखिए तो मैकेनिज्म देखिए लोन पेयर प्लस वाला भी देख लिया आपने तो इस तरह से बेटे नॉन क्लासिकल का टाइम का मैकेनिज्म मैकेजम किस तरह से बन नॉन क्लासिकल का टाइम कैसे बनता है वो आपने देख लिया नॉन क्लासिकल आपका टाइम क्या होता है वो आपने देख लिया बेटे आपने समझ लिया कि क्या होता है बेसिकली वो कहानी क्लियर है बेटे कहानी क्लियर है तो इस तरह से हमने ये देखा अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे अच्छा क्रैक्टिस क्या क्या मेरा यहाँ पर एक्चुअल प्लस चार्ज आ पाया तो आ, आप आप लोगों के लिए नहीं आ पाया क्योंकि जस्ट खत्म हुआ जैसी बरकरा से एकदम क्लासिकल कटैन बन गया था तो जब तक एक्चुअल तो प्लस चार्ज नहीं आएगा तब तक रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है तब तक रीअरेंजमेंट नहीं सो देर इज नो रीअरेंजमेंट इन दिस केस कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है और इसके लिए जो भी एटम है जिसका कटैन हमें नॉन क्लासिकल कटैन बनाना है उसके पास लोन पेयर और बैक एंड होना चाहिए तभी हो पाएगा अदरवाइज नहीं हो पाएगा ठीक है तो ये सारी चीजें हैं जो हम बात कर सकते हैं बेटा करेक्टरिस्टिक्स में जरा देखिए क्या क्या है यहां पर अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पर देखिए समझिए बात को करेक्टरिस्टिक्स की बात अगर हम लोग करें बेटा यहाँ पर तो देखिए ये आपका नॉन क्लेशनल कैटेंट बन गया ए मस्ट हैव वैकेंट और बाइटल इस वैकेंट होना चाहिए एंड एंड्रोनपिया ठीक है ये आपका कोई ट्रांशन स्टेट नहीं है बेटे दिस इज नॉट ए ट्रांस समझ इसको स्टेट मत समझना

तो बेटा ये देखो ये वाला पार्ट जो है ये पूरा का पूरा ब्लॉक्ड है अब लोग सर न्यूक्लोफाइल यहाँ पे प्लस पर अटैक कर सकता है तो बेटा प्रोडक्ट में ए पर प्लस ए पर न्यूक्लोफाइल थोड़ी लगाए देखो ना यहाँ पर न्यूक्लोफाइल यहां के लगा है। तो हमने कहा था ना कि मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और दूसरी बात कि ये तो पूरा पोजिशन ब्लॉक्ड है तो ये सामने से इधर साइड ने तो ये हमेशा जहां भी ये रिंग बनेगा रिंग के अपोजिट साइड में हमेशा अटैक करेगा न्यूक्लोफाइल अब किस पर अटैक करेगा उस उस पर अटैक करेगा जहां पर मोस्ट स्टेबल का टैन होगा नॉन क्लासिकल तो देखो ये टू डिग्री है ज्यादा स्टेबल है ये उस पर अटैक करेगा तो जहां पर अटैक करेगा वो वाला बॉन्ड टूटेगा यानी कि अब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे ऐसे और जब हम इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे तो यहां पर आएगा माइनस और यहां पर एक्चुअल प्लस डेवलप हो जाएगा बोलो ना बेटे बोलो ना बेटे यहां पर एक्चुअल प्लस डेवलप हो जाएगा मतलब कुछ और जैसे यहां पर प्लस डेवलप होगा न्यूक्लोफाइल इस पर तुरंत खड़ाक से अटैक कर देगा तो देखिए न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर गया और देखिए टूटा तो इधर आ गया और ये दोनों एंटी पोजिशन पर है दोनों कैसे पोजिशन पे एंटी पोजिशन पर दोनों एंटी पेरी प्लेनर है अटैक्स ऑन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल विद कार्बन के चारों बॉन्ड फुलफिल है बेटे तो अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो अटैक कर नहीं सकता तो कहां पर अटैक करेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कार्बन का है वहां पर अटैक करेगा और बैक साइड से अटैक करेगा इसका मतलब बेटा इसमें क्या होगा हमेशा ये दोनों एंटी पोजिशन पर आएंगे हमेशा ये दोनों कौन से पोजिशन पर एंटी पोजिट इसी को हम बोलते हैं एंटीपेरी प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में ये होंगे और कैसे होंगे एक दूसरे के 180 डिग्री पे होंगे एंटी पोजिशन पे होंगे तो न्यूक्लोफाइल जो होगा आपका और बेटा ये जो कैटायन है ये ये जो यहां पर आया ये दोनों एक दूसरे के कौन से पोजिशन पे होंगे एंटी पोजिशन पे होंगे चूंकि इस पर प्लस चार्ज था तो आप बेसिकली इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हो तो आप कैसे तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लोफाइल ये दोनों एन की पोजीशन पे होंगे और न्यूक्लोफाइल वहां पर अटैक करेगा ऐसे पार्सली डेवलप्ड पॉजिटिव डेवलप कार्बन कटन का पर कार्बन पर जहां पर उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा सो so, न्यूक्फाइल अटैक्स ऑन दैट कार्बन वेयर मोर स्टेबल पार्सली डेवलप्ड काप काटन प्रेजेंट अगर यहां पर काफाटैन की बात करते बेटे तो ये आपका वन डिग्री था तो प्रॉपर कैसे इसकी ओपनिंग होगी क्या होगी क्या नहीं होगी बेटे सब समझ गए आप अच्छे से तो कुछ इस तरह से हो ठीक है अब जैसे कि अब यहाँ पर एक चीज आपको और सिखाएंगे क्या देखो एक पॉइंट तो यह है बेटे पॉइंट तो यह आया कि आपने ये इस तरह से इसको बनाया ऐसे और ये अटैक कर गया इधर से अटैक कर गया ठीक है समझिएगा कुछ इस तरह से आया ये भी तो हो सकता था बेटे कि हम इस रिंग को ऐसे बनाते ऐसे राइट भाई प्लानर है ये रिंग तो ऊपर भी हो सकता है ये इधर साइड और इधर नीचे भी हो सकता है तो नीचे ऊपर दोनों पॉसिबिलिटी है तो अगर ये ऐसे होता तो हम इसको ऐसे तोड़ते तो 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 यह माइनस और फटाक से यहाँ पर न्यूक्लोफाइल अटैक कर जाता तो उसके इसमें क्या बन जाता देखिए आर सी एच और न्यूक्लोफाइल इस बार कहा नीचे आ जाता है और देखिये टूटके ये कुछ इधर से ऐसे हो जाता लोटे और अगर ये करेंट सेंटर यहाँ पर जनरेट हो रहा है तो बेटा अगर ये आर होगा सपोज अगर ये आर होगा तो ये एस बनेगा तो यहाँ पर क्या बन सकता है आपका पीअर ऑफ इन क्या बन सकता है पेयर ऑफ इनशियोमर्स या फिर रेस्विक मिक्सचर बन सकता है बोलो बेटे तो बात समझ में आ रही है तो इसका स्त्री इस केमिस्ट्री भी ध्यान दें क्योंकि क्योंकि भाई देखो ये प्लेनर में है मेंबर है बेटे ये ऐसा भी हो सकता है और ये ये ए प्लस आपका ऊपर से भी अटैक कर सकता है तो, तो ऐसे भी तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है तो एक पॉसिबिलिटी से यह बन सकता है दूसरी से बन सकता है तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी बनेंगी पेयर ऑफ इनश्योमर्स या फिर रेस्विक मिक्सर का फॉर्मेशन हो सकता है बात समझे बेटे तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऊपर से कराया है ना तो यहाँ से अटैक किया तो देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट बना अभी समझाया मैंने आपको तो देखो इसका मतलब क्या हुआ जरा समझे चांस ऑफ न्यूक्लोफाइल टू अटैक एट बिलो ऊपर भी कर सकता है नीचे भी कर सकता है सो इफ कायरल सेंटर इज जनरेटेड जहां न्यूक्लिफायर अटैक किया बना देखो एक दूसरे में नीचे भी बताया मैंने आपको मीनस वी गेट पेयर ऑफ इन या फिर मिक्सर ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सर मिलेगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन तो, तो देखिए चीज आपके सामने है पेरफाइशियम कहानी समझ में आई बेटे और तो केमिस्ट्री भी आप तगड़े से और बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से देखें बेटे एंड ऑलवेज एंटी एडिशन ऑफ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू ए हमेशा एंटी एडिशन आपने देखा क्यों एंटी एडिशन क्योंकि सामने से अटैक नहीं कर पाएगा हमेशा सा बैक बैक्स अटैच करेगा नो फॉर्मेशन ऑफ का आपका टाइम फॉर्मेशन पास कंप्लीटली डेवलप आपका टाइम का फॉर्मेशन होता नहीं है सो देर इज नो चांस ऑफ री और यहां पर चूंकि रेंजमेंट का चांस नहीं है तो हम यहां पर मर्कोनिकोज रूल डायरेक्ट लगा सकते हैं सो यूज मर्कोनिकोज रूल डायरेक्टली बोलो बेटे तो ये करैक्टिस था नॉन क्लासिकल कैटैंस का बेटे कि किस तरह से कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है बोलो बेटे बात समझ में आती है क्या बात समझ में आती है क्या बेटे देन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एन अब हम बात कर सकते हैं कि भैया ऐसे कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जहां पर नॉन क्लासिकल कैटैंस का इन्वॉल्वमेंट होता है सबसे पहले तो हेलोजिनेशन ही होगा जैसे आपने बी आर प्लस की बात की आई प्लस की बात की सी एल प्लस की बात की या फिर ए प्लस की बात की तो जनरल फॉर्म तो मैंने आपको बताया बताया अब चूंकि आप मैकेनिज्म समझ चुके हो ओपनिंग समझ चुके हो कैरेक्टरिस्टिक समझ चुके हो तो इनके रिएक्शन तो आप जैसे चुटकी में समझ समझ जाओगे बात रहे हो तो कितना इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है ये एनसीसी नॉन कलेक्शन का केस आप खुद समझ सकते हो खुद फील कर सकते हो कि क्या मजे आने वाले क्यों क्योंकि एनसीसी के बारे में आपने सारी चीजें समझ ली है अभी अटैक करेगा तो कार्बन पासिल रेलवर कापकटन के पास अटैक करेगा ऐसे कापकेटन के पास पासिल रेडवर कापकेटन के पास अटैक करेगा जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और उसके एंटी बॉन्डिंग और बाइटल में जाकर घुसेगा क्योंकि उसके चारों बॉन्डिंग और बैटल्स उसके बॉन्डिंग और बाइटल पूरे पूरे फेल थे चारों बॉन्ड कंप्लीट थे उसके और हमेशा एंटी एडिशन होगा कोई चांस रीअरेंजमेंट का नहीं होगा है ना तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है उसके बेसिस पे हम लोग बहुत मस्त और जबरदस्त बात कर सकते हैं बेटे तो इसका जो पहला एग्जांपल हम लोग बात करेंगे दैट इज ऑफ हैल्की इसकी बात करेंगे बेटे हम लोग हेलोजिनेशन ऑफ अल्किन अल्कि का हेलोजिनेशन समझेंगे क्लासिकल नॉन क्लासिकल आपने सारा चीज समझा इसका और इसके सारे कैरेक्ट्रिस्टिक्स वही होंगे जो एनसीसी के होंगे यानी कि इसका काम तो हो गया मुझे जस्ट बस आपको दिखाना है केवल कि भैया कि किस तरह से आ, आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और कैसे न्यूक्लोफाइल अटैक करेगा अच्छा हाँ यहां पर एक चीज और भी है कि रिंग ऊपर से ही बन सकता था थ्री मेंबर का रिंग नीचे से ही बन सकता था ऊपर से रिंग बनेगा तो नीचे साइड से न्यूक्लिफाइल अटैक करेगा ऊपर से रिंग बनेगा तो नीचे से करेगा और नीचे अगर रिंग बनेगा तो ऊपर से अटैक करेगा यानी कि यहां पर अगर एक आर फॉर्म होगा करल सेंटर अगर जहां पर न्यूक्फाइल अटैक किया है अगर वो जनरेट हुआ है अगर वो आर है तो दूसरा एस होगा अगर एस है तो दूसरा आर होगा मतलब एक दूसरे का बिलर इमेज बनेगा पेयर ऑफ इनशियोर बनेगा या फिर रेशमिक मिक्सर बनेगा जो कि ऑप्टिकली इनेक्टिव मिक्सर होगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन सारी की सारी चीजें यहां पर फॉलो होने वाली हैं तो एंटी एडिशन हेलोजन का होने वाला है की बात करो तो इसका मतलब क्या होने वाला है एंटी एडिशन होने वाला है बेटे यहां पर बोलो बात समझ में आती है क्या बात समझ में आती है क्या बेटे ये देखिए सिंपल तो एंटी एडिशन क्या मतलब देखो एक्स टू है इसके दो X होंगे। तो ये बॉन्ड टूटेगा एक एक्स लगेगा ऊपर और एक एक्स लगेगा नीचे देखिए एंटी एडिशन एंटी एडिशन एंटीप्री पेरी प्लानर देखिए एंटी पेरी प्लैनर होंगे दोनों बी आर टू है एक बॉन्ड टूटा एक बी आर ऊपर लगा एक बी आर नीचे लगा अब इसका क्या मैकेनिज्म है वो सब हम लोग बहुत दगरी से समझ लेंगे बेटे बात समझ लो वो हम पूरा प्रॉपर तरीके से बहुत तगड़े से अब समझा सकते हैं हम लोग बात कर सकते हैं बेटे इसकी तो यहां तक बात समझ में आती है क्या बढ़िया मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे यहां तक बात समझ में आई क्या तो अब हम आगे और डिटेल में बहुत बढ़िया से बेटा इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और एक एक चीज चुन चुन के सारी चीज़ें क्लासिकल समझ लो नॉन क्लासिकल समझ लो अब आपको पता है कि नॉन क्लासिकल अगर है कभी भी तो वहाँ पर कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा वहां पर आप डायरेक्ट मार्कोन को जरूर लगा सकते हो और और एंटी एडिशन होगा एंटी एडिशन होगा ठीक है तो अब आगे बात करते हैं ओके चलिए तो अब इसको डिटेल में देखते हैं बेटे तो अब देखिए क्या है यहाँ पर ये आपके पास अलगिन है बेटे अल्कल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन कैसे ऐसे रिप्ल करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पास नेगेटिव निगेटिव पास पॉजिटिव सो so, दिस पोलार बी आर टू नॉन पोलर है सी सी एल फोर नॉन पोलर है अब क्या होगा बेटे कि ब्रोमीन इस पर अटैक करेगा बी आर टू तो जब बी आ उस अटैक करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है देखो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजर आ रहा होगा ये बी आर यहाँ पर तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस बी आर के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे क्या करेगा रिपल कराएगा रिपल कराएगा तो बी आर माइनस इस नीचे की तरफ जाएंगे इस तरह से तो इधर जाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटे तो यहाँ पर पहले तो ये नॉन पुलार था बट अब देखो यहाँ पर डायपोल डिस्कस डायपोल डेवलप हो गया यहां पर जो डाइपोल है ऑलरेडी सो डाइपोल और यहां पर इंड्यूस डाइपोल है सो इट इट डेवलप डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन बात समझ में आती है तो यहां से डाइपोल के बाद यहां पर इंड्यूस डाइपोल इसमें आता है उसके बाद फिर क्या करेगा इसको ये इसके पाई क्लाउड जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को और रिपल करेगा तो ये दूर जाएगा उसका जैसे बाद पॉजिटिव चार्ज और जिससे डेवलप होगा खड़ा इसको खींच लेगा और ये बाउंड ब्रेक हो जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा और यहां से क्या बना देगा ये आपका बी आर प्लस एंड प्लस बी आर माइनस बात समझ में आती है बेटे कुछ इस तरह से काम हुआ यहाँ पर कुछ इस तरह से काम यहाँ पर बेटे हो गया राइट चलिए अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये आपका क्या हो गया न्यूक्लोफाइल हो गया ओके जैसे इलेक्ट्रोफाइल ये जनरेट होगा तो उसके बाद क्या आगे गया कि आपको ट्रांस स्टेट पता है ट्रांजिश स्टेट क्या बेसिकली आप कह सकते हो कि एक इंटरमीडिएट यहाँ पर आएगा ट्रांस स्टेट नहीं बोलेंगे इसको इंटरमीडिएट यहाँ पर आएगा है ना क्या वो मैं आपको समझता हूँ बी आर प्लस यहाँ पर आया अब प्लस है और इसके बाद आपको पता है बेटा क्या है लोन पेयर भी है और इसके पास क्या है बेटे बताओ प्लस चार्ज भी है और खाली डब्बा भी है अब देखो क्या होगा बेटे कि यहां पर पार्शियल नेगेटिव था यहां पर पार्शियल पॉजिटिव तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा इंटरेक्शन ये मैकेनिज्म समझा चुका हूँ प्लस और लोन बेय के बीच में क्या होगा इंटरेक्शन होने लगेगा यानी बॉन्ड मेकिंग होने लगेगा और ये बॉन्ड क्या होगा ब्रेक होने लगेगा बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगेगा ठीक है ये माइनस और ये प्लस इसके पीछे बॉन्ड बनने लगेगा तो यहाँ पर बॉन्ड क्या होने लगेगा मेकिंग होने लगेगा और फाइनली बेटे क्या होगा कि बॉन्ड पूरा टूट जाएगा जैसे टूटेगा यहाँ पर एक्चुअल माइनस और यहाँ पर एक्चुअल प्लस एक तुरंत बॉन्ड बन जाएगा देखिए बन गया यहाँ पर है ना देखिए ये बन गया यहाँ पर ठीक है और एक लोन पेयर और है ना तो ये प्लस और ये माइनस यूज हो चुका है बॉन्ड बनने में ठीक है बेटे अब यहाँ पर प्लस नहीं रहा अभी अब समझिएगा अब ये लोन पेयर और यहाँ पर जब प्लस से आ जाएगा जब ये बॉन्ड टूटा यहाँ तो माइनस प्लस में देखिए तो प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बनाया और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ पर प्लस से आ जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा और ये टूट जाएगा तो देखिए बॉन्ड बन गया और यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया तो यहां पर ये देखो साइक्लो हेलो देखो ना यहाँ पर देखो ये साइक्लो देखो साइक्लो ब्रोमिनिया आयन बन गया कि नहीं बन गया बेटे ये ऐसे ही बन सकता था और बेटे ये कैसे बन सकता था ज़रा देखिए इसको आप ऐसे ही बना सकते हो आर सी एच है ना इस्टो तो केमिस्ट्री अभी आपको सिखाया था सी एच टू कुछ इस तरह से बन सकता था और प्लस यहाँ से बी आर माइनस देखिए निकलोफाइल बाहर हो गया अब इसके बाद अब इसके बाद क्या कराओगे इसकी ब्रेकिंग कराओगे इसकी क्या करोगे बेटे ब्रेकिंग कराओगे है ना इसकी ब्रेकिंग करा सकते हो ब्रेकिंग कराओगे तो क्या होगा कि मोस्ट एबल यहाँ पर देखो ये वाला है तो यहाँ पे ऐसे तोड़ोगे इसको तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा और बी आर माइनस है ना इसमें बैक साइड से अटैक करेगा कहाँ से अटैक करेगा बैक साइड से यहाँ पर अटैक करेगा ऐसे तो क्या बनेगा देखिए आर सी एच और बेटा यहां पर आएगा बी आर फिर यहां पर सी एच टू और यहां पर आएगा बी आर अब देखो ये आपका कारल सेंटर जनरेट हो जा रहा है ये ये बन जाएगा प्लस दूसरा अब यहां पर क्या होगा बेटा अब ये जो है ये वाला ये वाला ज्यादा स्टेबल है तो ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ पे आएगा प्लस और बी आर यहां पर नीचे से इधर से अटैक करेगा तो हमेशा एंटी एडिशन होगा बेटा बात समझ रहा तो आर सी एच और बी आर और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा आपका सी एस टू और ऊपर में ये बी आर तो देखो एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं कि नहीं मिरर इमेज ऑफ इच अदर तो ये आ गया बन गया क्या पेयर ऑफ इन एंशियोमर पेयर ऑफ इन एंशियोमस है ना फिर आप कह सकते हो रेस्मिक मिक्सचर कायरल सेंटर यहां पर जनरेट हो रहा है मिरर इमेज ऑफ इच अदर बोलो बेटा प्रॉपर तरीका प्रॉपर मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया तो क्या तरीका क्या नहीं है ये आपके सामने रखा मैंने अभी ठीक है तो वही सारी चीजें देखो यहाँ पर समझाया है मैंने आपको देखो ये आपका हल्के ने बेटे सी सी एल टू सी सी एल फोर करा सकते हो बी आर टू सी सी एल फोर करा सकते हो ये देखिए बी आर टू सी सी एल फोर कराया तो ये यह देखिए यहाँ पर है ना ये सारी कहानी मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे ये बना देखो है ना किस तरह से ये आपका बन जा रहा है है ना तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट ये वाला आया बट फाइनली जो आपका बनता है आगे ये आर सी एस थ्री सी एच सी एस टू और बी आर प्लस ये आपका ट्रांजिशन स्टेट नहीं होता ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है बट यहाँ पर ब्रेकिंग मेकिंग हो रहा है इसलिए इसको बोला ट्रांजिशन स्टेट ठीक है तो ये आर टू पाई इलेक्ट्रॉन आर डोकलाइज्ड कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं बेटे टू पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं ठीक है थीके? ओके तो ये बात है ना आप देखो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ आप लिट देख सकते हो देखिए ये इसके बाद फिर वी आर बैक साइड से अटैक करेगा और आपके ये बनाएगा कैल सेंटर जनरेट हुआ तो आर एन एस फॉर्म आएगा मिक्सचर ऑफ है ना इन पेयर ऑफ इन एश्यूमस आएगा या फिर इसमें मिक्सर बनेगा वी आर माइनस विल अटैक ऑन दैट कॉप अटैन विच इज मोर स्टेबल तो ये वाला स्टेबल है वहाँ पर अटैक करेगा क्लियर बेटे ये मैकेनिजम आपकी पूरी प्रॉपर तरीके से मैंने समझा दी है अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है सो वाई एडिशन ऑफ बी आर टू इन एंटी इन एंड लीन लिविंग ग्रू माइनस एंड निक्क्लोफाइल बी आर पर भी लोन प्यार था और माइनस होगा और न्यक्लोफाइल पर भी माइनस है एट है ना तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे सो अटैकिंग ऑफ बी आर माइनस ये ऑल्सो न्यक्लोफाइल सो टू मिनिमाइज रिपल्शन ऑफ बी आर माइनस है ना अटैक ऑन बैक साइड फ्रॉम एंटी प्रोडक्ट है ना तो ये बैक साइड पर इसलिए अटैक करता है बेटे देखो क्या पे करता है देखो ये यहाँ पर ये बी है इसके बैक साइड में अटैक करेगा क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है और इधर भी निगेटिव चार्ज है इस पर तो ये सामने सामने रहेंगे तो क्या होगा रिपल्शन ज्यादा होगा और दूसरी सामने से पोजिशन ब्लॉक गए वैसे कि रीजन मैं आपको बता चुका हूँ तो इसलिए बैक साइड से अटैक करेगा हमेशा एंटी पेरी प्लानरट मैकेजम फॉलो होगा क्लियर है तो ये चीज था अब बात करते हैं बेटे किसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलोजनीशन ऑफ के अब इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैंने कहा था ना देखो इसका मैकेनिज्म खट से हो जाएगा खट्ट से हो गया कि नहीं क्योंकि एनसीसी हम समझ लिए क्योंकि एनसीसी समझ लिए तो आपको दिक्कत नहीं फटाक से तुरंत फटाफट -फड़ हो गया देखिए अब कैरेक्टिस्टिक्स आप फटाफट समझ सकते हो क्या कि अब जैसे आपने रिएक्शन देखा कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन थी सिंगल क्या था बेटा ये सिंगल स्टेप रिएक्शन थी फटाफट फटाफट -फड़, -फड़ होता गया कैसे होता गया देखें आप एक बार फिर से अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें क्या हुआ बेसिकली देखिए ये देखिए ये था ये आपका आर डी एस था आरडीएस था बेटा ये देखो है ना यहाँ पर ये कुछ इस तरह से देखो यहाँ पर डायपोल एंडूस डाइपोल डायरेक्शन हुआ बी आर प्लस यहाँ फंसा ठीक है उसके बाद फिर यहाँ से इसने अटैक किया और कुछ इस तरह से ये बनाया ठीक है तो ये आपका ये हो गया अब चूंकि जो जो आर डी एस है बेटा इसका जो आपका आरडीएस है उसमें बी आर बी आर टू भी है और आपका क्या है देखो ये देखिए ध्यान से इसमें अल्किन भी है तो रेट इस पर भी डिपेंड करेगा इस पर भी डिपेंड करेगा दोनों पर रेट डिपेंड करेगा दोनों पर रेट डिपेंड करेगा तो देखिए है ना बिहार पर भी और इस पर भी डिपेंड करेगा है ना अब चूंकि इसका जो मैकेजम आप देख रहे हो ये जो ये स्टेप आप देख रहे हो इसमें एक मालिकुल इसका यूज हो रहा है एक इसका यूज हो रहा है एंड दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन और अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है बेटे तो जो कॉफिशियंट है उनका सम ऑर्डर होता है और वही मॉलिक्युलैरिटी होता है इसका ऑर्डर भी 2 हो गया और मॉलिक्युलैरिटी भी 2 हो गया बात समझ रहे हो तो इसका ऑर्डर भी कितना हो गया 2 हो गया मॉलिक्युलैरिटी भी 2 हो गया नो कंकेटाइन कंप्लीटली डेवलप्ड कंप्लीटली डेवलप्ड कपटेन बना ही नहीं है ना कौन सा बना आपका ना और यहां पर हमने बात की नॉन क्लासिकल का नॉन क्लासिकल है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है नो रीजमेंट ऑफ नॉन क्लासिकल नो एनी टाइप ऑफ रेंजमेंट लाइक रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रेक्शन कुछ भी नहीं होगा एंटी एडिशन हुआ है जिसको बोलते हैं एंटी पेरी प्लेनर मैनिज्म दोनों दूसरे के एंटी पोजिशन पे होते हैं और एक ही प्लेन में होते हैं इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं आर न्यूट्रल जनरली सी एल टू सी एल फोर लिया आई टू ले सकते हो बी बी ले ले सकते हो, ICL ले सकते हो, हो, हो ये सब सब के सब है आपके को फॉलो करेंगे, है है है, ना? भी भी सकता पर, होता क्या होते हैं बेटे बताओ नॉन क्लासिकल कैटर्न का फॉलो करते हैं एंड देर इज नो एनी टाइप ऑफ री अरेजमेंट देर इज नो एनी टाइप ऑफ री अरेजमेंट कानी क्लियर बेटे यहां तक देखो मस्त मस्त तरीके से अभी देखिए अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्किन अब इनकी रिएक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए थोड़ा सा रिएक्टिविटी के बारे में बात कर लिया जाए भाई थोड़ा सा रिएक्टिविटी के बारे में तो देखिए क्या होगा बेटे ये आपका अल्कीन था ये आपका हेलोजन था कुछ इस तरह से इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस को रिपल किया था पार्सल पॉजिटिव पार्सल नेगेटिव और रिपल किया था बॉन्ड टूटा था और इसने खट से खींच लिया था बी प्लस को तो इसका जितना ज़्यादा बेटे न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा ये उतना ही ज्यादा इसको रिपल करेगा और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफिलिक होगा बोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा इसमें इलेक्ट्रोफाइल उतनी तेजी से आसान आसानी से अटैक करेगा और दूसरा ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा भी उतने ज़्यादा इसको ये पोलराइज करके तोड़ देगा सो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कि विथ हेलोजन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कि पोलराइजिंग पावर ऑफ अकिन उतनी ज़्यादा इसको पोलराइज करेगा इलेक्ट्रॉन रिच अल्कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा जितना ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ठीक है इस पर बेस्ट होगा जरा देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देखे जाए कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग फॉलोइंगलिन विर फोर सिंपल तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर ले न्यूक्लोफिलिटी की बात कर लें अगर हम तो सिंपल हम लोग बात कर सकते हैं कि जो भाई जो इसका न्यूक्लोफिलिटी है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम और डायरेक्टली पोस्टनल टू प्लस एच और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई राइट बेटे बोलो बोलो है ना तो यहां पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगा और इनवर्सली पोस्टल तो इन सब का है माइनस एम या फिर माइनस एच या फिर माइनस आई ये सब के सब ये यहां से आता इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले हैं और ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो भैया जो डोनेटिंग वाले लगे होंगे वही तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे ठीक है चीक? तो आप चेक कीजिए देखिए यहाँ पर सी एस टी लगा है प्लस एच देगा यहाँ पर आपका ओ सी एस टी लगा रही है इसके पास लोड प्यार है तो ये प्लस एम देगा क्या देगा प्लस एम देगा यहाँ पर भी ओ सी एस थ्री है तो ये आपका प्लस एफ देगा यहाँ पर सी एफ थ्री है तो ये माइनस देगा माइनस आई यहाँ पर सी एस थ्री लगा तो इधर प्लस एच देगा अब जरा देखिएगा सी वाले में बेटा प्लस एम भी है प्लस एच भी है दोनों बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सबसे पहले तो सी आ गया उसके बाद फिर देखो ये बी में प्लस एम है बी आ गया अब प्लस एम के बाद प्लस एच का नंबर आता तो है तो ये देखिए प्लस एच ए आ गया और बेटा ये तो घटा रहा है इसलिए डी लास्ट में चला गया इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो कंपैरिजन बेटे आप कर सकते हो आसानी से चलिए देखिए इसकी बात करें अब बात यहां पर आती है कि भैया देखो ये ये है और बी आर टू सी सिल्वर का वन इक्वेल्ट है कहां रिएक्ट ये देखना है तो बेटा जहां पर मोर फ्लिक होगा तो अभी देखो यह यहां पर इसको बंद करें अगर हम यहां पर तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहां पर है और तीन यहां पर तीन यहां पर सिक्स एंड टू एट अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है अल्फा एट अल्फा हाइड्रोजन है हाइबर कॉन्जुगेशन से अल्फा हाइड्रोजन इसको बंद करें अगर हम ऐसे तो यहाँ पर सिर्फ इसके पास सिर्फ और सिर्फ वन अल्फा हाइड्रोजन है सो इस इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे अटैक करेगा तो एंटी पोजिशन पे अगर एक यहाँ पर आ, डार्क होगा तो दूसरा ब्रोकेन ब्रोमिन होगा देखो तो अगर एक डार्क ब्रोमिन है तो दूसरा क्या ब्रोकन है या हाइड्रोजन की बात करें और अगर एक ब्रोकेन है तो दूसरा डार्क होगा पेयर ऑफ इनशियर से बन जाएंगे ओनली टू प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ एंटीडिशन एक्स टू ट्सप्रेस अब रेट ऑफ हाइलोजन बात करें कि इनके रिस्पेक्ट में क्या होगा तो f2 को सबसे ज्यादा होगा उससे कम सेल टू उससे कम बियर टू सबसे कम किसका होगा i2 का होगा <coughs> तो देखिए बेटा आपको यहां तक बात क्लियर हो जाती है अब आपको और तगड़ी चीज दिखाना चाहते हैं सिखाना चाहते हैं देखिएगा बड़ा ध्यान से एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर ऑन एल्कीन एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर ऑन एल्कीन अब जरा ये देखें आप अब इस पे एंजॉय करें बेटे आप चलिए पानी पीते हैं गट 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 पानी पी लिया आपने चलिए एडिशन ऑफ Br2 वाटर अच्छा बेटा ब्रोमीन को देखते ही लग रहा अच्छा Br2 है तो NCC भैया NCC और सॉल्वेंट आपका पानी है ओहो सॉल्वेंट पानी है तो अब ये देखना होगा कि मेजर क्या होगा और माइनर क्या होगा बहुत मजेदार चीजें जरा देखिएगा कैसे एडिशन ऑफ Br2 वाटर दिस इज आल्सो टेस्ट ऑफ एल्कीन राइट बेटे ब्रोमीन वाटर टेस्ट इसको हम बोलते हैं यहाँ पर जो पानी है वो आपका सॉल्वेंट है

br br ch आर सी एच और सी एच टू और यहां पर बी आर आपका मेजर है और ये आपका माइनर होगा ये आपका माइनर होगा कैसे होगा समझते चलिए देखिए <coughs> देखो बेटा ये सिंपल मैकेनिज्म ये है अल्किन और ये इसको पोलराइज करेगा br माइनस अलग br प्लस अलग br प्लस को कैप्चर कर लेगा तो आप समझ चुके ये आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ यहाँ पर अच्छा बेटा न्यूक्लियोफाइल एक तो ये और दूसरा आपके पास पानी भी है ये भी न्यूक्लियोफाइल तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल फाइल है आपके पास ये आपका सॉल्वेंट से मिला और यह आपका सैल्यूट से मिला तो यह मोर इन अमाउंट है मोर अमाउंट होगा इसका काफी ज्यादा अमाउंट होगा क्योंकि सॉल्वेंट्स वाला हमेशा ज्यादा अमाउंट होगा और दूसरी एक चीज और क्या होगा कि बेटा ये जो न्यूक्लोफाइल है इसको पानी चारों तरफ से घेर लेगा कुछ इस तरह से सॉल्वेट कर देगा इसको प्लस माइनस प्लस माइनस तो ये ब्रोमीन उतना ज़्यादा फ्री नहीं रह पाएगा इसके मैक्मम क्योंकि सैल्यूट है तो वैसे भी ये कम है बेटा सैल्यूट है तो ये युक्वफाइल वैसे भी कम है सॉल्वेंट ये तो बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा तो बहुत सारे पार्टिकल्स को घेर लेंगे चारों तरफ से इसलिए इसको घेर भी लेंगे और बेटा बेटा तो मैक्सिमम जो अमाउंट बचेगा किसका बचेगा वाटर का बचेगा तो अटिंग अटैकिंग सबसे ज्यादा किसका हो सकता है वाटर का हो सकता है इसका बहुत कम हो पाएगा क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल्स के घिर जाएंगे इसलिए वाटर से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मेजर तो आप देखो इसको ओपनिंग बेटा तो इसकी ओपनिंग तो ऐसे ही होगी ये मोर स्टेबल यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा जैसे प्लस आएगा ब्रोमीन यहाँ से अटैक कर देगा और अगर वाटर है तो वाटर भी आपका इधर से अटैक करेगा अब ब्रोमीन यहाँ पे अटैक किया तो देखो बेटा बी आर बी आर आ गया और वाटर इधर से अटैक किया तो यहाँ पर ओ एच आ जाएगा क्योंकि वाटर जब अटैक करेगा तो बेटा यहाँ पर क्या बना देगा वो एस टू प्लस बना देगा ओ एस टू प्लस बना देगा ओ एस टू प्लस का मतलब कुछ ऐसा समझो है ना अरे भाई इसके पास एक लोन पेयर है ना बेटे लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा और जहाँ पर लोन पेयर ऑक्सीजन पे वहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा तो देखिए उसको ऐसे समझ सकते हो सी एस टू बी आर ओ एस टू प्लस है ये ओ एच टू प्लस अब ऑक्सीजन पे प्लस आया तो तो क्या अनस्टेबल हुआ तो तुरंत ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ यहाँ प्लस और देखिए एच प्लस यहाँ से अलग हो जाएगा और प्लस माइनस न्यूट्रालाइज हो जाएगा यहाँ पे देखिए ओएच OH बचेगा तो यहाँ पर ओ एच OH हो जाएगा बस समझ रहा हूँ तो ये आपका मेजर होगा और ये माइनर होगा क्यों मेजर होगा बेटा ये वाला क्योंकि ये पानी से मिला है ठीक है ठीक है बेटे बोलो 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 बात समझ में आती है क्या बात समझ में आती है क्या रेट दोनों का सेम होगा क्यों क्योंकि आरडीएस बेटा आपका यही है पहले स्टेप में जो आरडीएस है बेटा वो आपका यही है यहां पर बी आर टू का ही अटैक होगा वाटर और बी आर माइनस तो सेकंड स्टेप अटैक कर रहे थे तो आरडीएस तो है नहीं तो रेट दोनों का सेम होगा बट ज्यादा कौन बनेगा ज्यादा आपका ये बनेगा कम आपका ये बनेगा रीजन मैंने आपको बताया तो फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस देखिए सो इफ फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस सेकंड स्टेप इज नॉट आरडीएस दे न्यूक्लोफाइल है ना देन दैट न्यूक्लोफाइल अटैक ऑलवेज विच इज मोर इन अमाउंट तो ज्यादा अमाउंट में होगा रीजन कि बी आर माइनस भी न्यूक्लोफाइल है वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है बट वाटर है ना बट इट इज सॉल्वेंट मोर इन नंबर एंड पोलर पोलरफ्रोटिक सॉल्वेंट है इसमें पोलरिटी भी है सो so, अगर वाटर के हंड्रेड पार्टिकल्स हैं तो बी का एक पार्टिकल कुछ ये रेशियो होगा मतलब वाटर बहुत ज्यादा होगा सो so, वट एप है ना वन ऑफ द लीडर ऑफ वाटर मतलब पानी के बहुत सारे पार्टिकल्स को उसका कोई एक लीटर वाटर का वाटर पार्टिकल्स बहुत सारे हैं क्या बोलेगा कि जाओ चारों बी आर माइनस को घेर लो तो पानी पार्टिकल्स चारों तरफ घेर लेंगे राइट बेटे ठीक है टोल की नाइनटीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर टू अटैक ऑन बी तो बीआर को घेर लिया और बाकी का उसका है ना तो सौ में से निन्यान इसको घेर लेंगे नाइन्टी नाइन और अपना की एक जो पानी बचेगा वो तो वहां पे जाके अटैक कर देगा वो मेजर प्रोडक्ट बना देगा है ना तो लाइक like दिस कुछ इस तरह से कहानी यहां पर होगी बेटे है ना कुछ इस तरह से देखिए ये मैंने आपको समझाया क्लियर कहानी क्लियर ये मैंने आपको क्लियर कर दिया ठीक है कलर ऑफ बी टू तो इज ब्राउन वेन इट इज मिक्सड विथ हल्कीन इट रिएक्ट्स विद हल्कीन एंड कलर ऑफ बी आर टू डिस है ना अल्किन कैन सो अल्कि्कि्कि्कि्किन को यहाँ से डिस्टिंग्विश कर सकते हो अल्किन कैन सो दिस इज कॉल्ड ब्रोमिन वाटर टेस्ट तो आपको ब्राउन सोलूशन पहले मिला था जब है ना जब ब्रोमिन यहाँ पे डाल रखे थे तो बी आर टू ब्रोमिन है ना ब्रोमिन क्या होता है ब्राउन ब्राउन कलर होता है ब्राउन होता है जब उसका साथ रिएक्शन हो गया अल्कि के साथ बेटा तो बी टू तो खत्म हो गया तो वहां पर ये कलरलेस हो जाता है तो इसका मतलब किसके अंदर अनसेचुरेशन था इसका टेस्ट भी हो सकता है बी टू ओ और ऑलवेज एंटी टू ईच अदर सो नेवर मेजो प्रोडक्ट मेजो प्रोडक्ट नहीं बनेगा ये हमेशा एंटी होंगे एंटी क्यों होंगे अब आपको पता है अच्छे से ठीक है टेस्ट ऑफ अल्किन बताई दिया आपको अभी ये पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म आपको पता है ब्रोमिन वाटर है कुछ ये हुआ है यहाँ पर बी आर माइनस बाहर आया राइट बेटे सारा प्रॉपर मैकेनिज्म तो देखिए ये इस तरह से पानी और बी आर माइनस जब वाटर रिएक्ट किया तो आपका देखिए प्रॉपर तैयारी तो को देखो यहाँ पर ये बन गया यहाँ पर कैरल सेंटर है तो आर एन एस बन गया सॉल्विन का प्रोडक्ट है ये मेजर होगा वी आर माइनस है है ना तो आपका ये बना ये भी आर एस आर एन एस कैरल सेंटर है ये माइनर होगा टोटल समझ रहे हो तो आर एंड एस यहां बनेगा आर एन एस बनेगा तो टोटल फोर प्रोडक्ट्स बनेंगे या फिर ये एक पेयर ऑफ इनशियो हमारे एक पेयर ऑफ इनशियो है सो टोटल टू पेयर ऑफ इनशियो बनेंगे प्रोडक्ट दोनों जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना मिक्सर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे रेशमिक मिक्स बनेगा तो सारी कहानी अभी आपको क्लियर की कि नहीं क्लियर की तो बेटा ये वाला आपका सैल्यूट प्रोडक्ट है और ये वाला सॉल्वेंट प्रोडक्ट है चॉइस वेदर द रिएक्शन विल विथ बी आर माइनस और विथ एस टू वाली फ्रॉम एस टू मेजर होगा फ्रॉम बी आर माइनस माइनर होगा ये है, होंगे, solvent, more, एकदम तगड़े से बोली मैंने चिल्ला चिल्ला के एकदम मैंने आपको तगड़े से सारी की सारी कहानी पूरी की पूरी कहानी बेटे मैंने समझाने की कोशिश की आपको अभी बोलो समझ में आया क्या सो इफ वी टेक पीपीएस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे आपने पानी लिया था विथ बी आर टू लिया था कि नहीं लिया था

है ना तो आप मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे इंजॉय करें और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एडिशन ऑफ बी आर टू एनएस अरे भाई साहब इतना सारा इतना सारा आप देखिए क्या किया जाए कैसे किया जाए इस बात को समझते हैं जरा देखिएगा कैसे बैठे तो आप जरा देखिए अच्छा बेटा बी है टू है एनएससी है आपको एनसीसी माइंड में आया होगा एनसीसी तो देखिए बी आर गया और ये इसने साइक्लो ब्रोमोनियम आयन बना लिया तो बी आर टू तो बी आर टू से यहां से बी आर माइनस बच जाएगा जरा देखिएगा बी आर माइनस बचा यहाँ से बी आर माइनस और आपके पास एन है तो भैया एन प्लस और सी माइनस है ठीक है आप इलेक्ट्रोफाइल आपका बी प्लस तो अटैक कर चुका है तो इलेक्ट्रोफाइल का काम तो खत्म हो चुका छोड़ो इसको ठीक है वैसे भी ये इनएक्टिव होता है है ना एन प्लस ओके सी माइनस और तीसरा वाटर है पानी है एच लोन पेयर तो भैया आपके पास जो न्यूक्लियो फाइल वो कौन कौन से हैं एक बी माइनस है एक सी माइनस है, है और एक आपका पानी है ये दोनों आपको कहाँ से मिलना है बहुत सारा सैल्यूट पार्टिकल्स और पानी इज सॉल्वेंट पानी इज सॉल्वेंट तो यही आपका कौन सा होगा बेटे मेजर यही आपका कौन सा होगा मेजर तो बताओ बेटे इसको ऐसे तोड़ो यहाँ माइनस यहाँ प्लस और वाटर से ओएच OH जाता था अटैक करके यहाँ पे देखो तो बेटा यहाँ पर आपका ओएच OH लग जाएगा इधर बी आर तो देखो बी आर ओ एच पहले समझो फिर दूसरा क्या देखो सीएल माइनस है अभी सी एल माइनस यहाँ पे अटैक करेगा एंटी पोजिशन पे अटैक होगा तो बी आर सी एल आ गया देखिए ये देखिए है ना बी आर अटैक किया देखिए ऐसे टूटा माइनस यहाँ प्लस बी आर माइनस अटैक करेगा इधर तो आपका ये आ गया राइट right? अब चूंकि जैसे अटैक करता है आपके पे बताओ बेटा यहां पर तो अब वहां पर क्या है बेटा एक कायरल सेंटर जनरेट हो जाता है तो आर एंड एस दो फॉर्म बनेंगे दो यहाँ पर देखो सेंटर दो फॉर्म कायरल सेंटर आर एंड एस दो फॉर्म तो दो 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 टोटल यहाँ पर सिक्स प्रोडक्ट्स बनेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स इज सिक्स बोलो बेटे है ना मजेदार चीज एकदम गर्दा चीज है कि नहीं बेटे गर्दा चीज है कि नहीं बेटे तो देखो यहाँ पर वही है देखो ये ब्यूटीन है एक्वासेनेशियल एक्वानेशियल का मतलब वही क्या है कि पानी भी है पानी भी है बेटे यहाँ पे लिखा है देखो पानी भी है पानी भी है है ना और एन से सी माइनस मिला और बी आर टू जब यहाँ पर जाएगा तो भैया बी आर टू वाला तो कैसा आपको पहले से पता है ऑलरेडी क्या पता है देखिए सी एस थ्री सी एस टू और बेटा यहाँ पर सी एच सी एच टू और बी आर प्लस ये होगा और प्लस यहाँ से बी आर माइनस तो ये बी आर माइनस देखिए बी आर माइनस और एन एस सी एल से आपको क्या मिला सी एल माइनस वाटर ये सब सबके साथ निक्लोफाइल हैं इससे आप ये सॉल्यूवेंट है ये सॉल्यूट है अभी बताया तो यहाँ से आपको मेजर मिलेगा बी आर प्लस यहां पर जो बनता है बेटे वो आपका किसका काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और यह सबके सब न्यूक्लोफाइल सब का तो एक बार देखो भाई इसको तोड़ा यहां माइनस यहां प्लस तो एक बार आपने क्या किया यहाँ पर बताओ बेटे सी लगा लिया तो सीएल बी वाला बन जाएगा सीएल बी एक बार आपने यहाँ पे बी आर लगाया तो बी आर बी आर वाला बन जाएगा बी आर बी आर वाला एक बार आपने पानी लगाया तो ओ एच बी आर वाला बन जाएगा ओ एच बी आर तो टू 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 टोटल सिक्स बता बेटे इलेक्ट्रोफाइल क्या है न्यूक्लोफाइल क्या है क्या बेटा पूरी पिक्चर एकदम माइंड में क्लियर कर दिया आपके कि किस तरह से किस तरह कैसे के बेटे हो सकती हैं क्या कहानी समझ में आई क्या बेटे क्या कहानी समझ में आई क्या एडिशन बी आर टू विध एडिशन ऑफ बी आर टू विध पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट भैया तो यहां पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है अब वो, अब वो वो घेर ही नहीं पाएगा बी आर माइनस को क्योंकि जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कटाइन को सोलवेट करता है, है? है, है एनआईन को सोलवेट कर ही नहीं पाता तो बी आर माइनस को घेर ही नहीं पाएगा तो अब बी आर प्लस और बी आर माइनस आसानी से अटैक करेंगे एंटी पर दोनों बी आर हो जाएंगे पीएस वहां पर रोल दे नहीं पाएगा तो देखिए जैसे ये आपके सामने समझिएगा बेटे बी आर टू सी सी एल फोर है तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा बी आर प्लस और न्यूक्लो आपका बी आर माइनस यहां से बेटा बताते जाना Cl+ प्लस I2 माइनस आई टू से आई प्लस आई माइनस बी आर सी एल से बी आर प्लस मोर इलेक्ट्रोनिकेट आई और सीएल सीआर मोर इलेक्ट्रोनिकेट यहां पर आई प्लस सी एल माइनस आई बी आर में बी आर इज मोर इलेक्ट्रॉनिकेटी तो आई प्लस और बी आर माइनस तो एक इलेक्ट्रोफाइल है पहला वाला और दूसरा वाला नंबर जो है निक्क्ोफाइल है ये सब के सब आपके नॉन क्लासिकल अभी मैंने आपको बताया था सबके सब, सब नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म देते हैं बेटे तो इसकी बात करो 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 ये दोनों तो आपको समझ रहे हो है ना है ना जैसे कि अगर मैं कोई एक करके समझा दें थोड़ा सा जैसे हमने कहा कि सी एस थ्री है सी एच है और ये सी एस टू पहले वाले केस में बेटा क्या फंसेगा बी आर प्लस फंसेगा यहाँ पर बी आर प्लस फंसेगा पहले वाले केस में ठीक और बाकी का तो आगे आप समझ जाओगे ना कि बी आर बाइंस बैकसाइड से अटैक करके कैसे गया ये बी आर आर ठीक है दूसरे वाले केस की बात अगर हम करें अजा देखिएगा अब एक बार देख ही लो सही से अगर मैं इसको बोल दू फर्स्ट नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स अब देखेगा लिखिए जनाब तो पहले वाले में तो बी आर प्लस आया बेटे यहाँ अटैक कर गया अच्छा अब उसके बाद फिर ऐसे टूटेगा और बी आर माइनस यहाँ से अटैक कर देगा तो बी आर माइनस यहाँ पर ऐसे मैं कर दे रहा हूँ बाकी अब तोड़ के बनाना दूसरे वाले केस में देखो सी एल प्लस सी एल माइनस तो यहाँ पर सी एल प्लस आ जाएगा और फिर ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे ऐसे देख लो है ना आप करना है इसको और ऊपर से क्या आप बताओ बताए सी एल माइनस यहाँ पर बैक साइड से अटैक कर जाएगा तीसरे वाले केस में देखो आई टू है तो यहाँ पर देखो आई प्लस होगा बेटे ऐसे टूटेगा है ना ये ऐसे टूटेगा मैकनीजियम फील कर पा रहे हो तो फटाफट देखो अब देखो कितना आसान हो गया और बैक साइड से आपका यहाँ पर आई माइनस अटैक कर जाएगा है ना चौथे वाले केस में अगर आप देखो तो बी आर सी एल है तो बी आर प्लस यहाँ पे अटैक तो यहाँ पर बी आर प्लस इलेक्ट्रोफाइल है ऐसे टूटेगा और उसके बाद फिर बाइस यहाँ पर सीएल माइनस यहाँ पर ऐसे अटैक करेगा बोलो बेटे चौथा पांच वाले केस में आई सी एल है तो आई प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल प्रोफाइल यहाँ पर रहेगा और ऐसे टूटेगा और बैक साइड से यहाँ पर सी एल अटैक कर जाएगा ये देखिए है ना पाँचवा छठवें केस में क्या आई बी आर है तो आई प्लस यहाँ पर फंसेगा बेटे इलेक्ट्रोफाइल है और पीछे से यहाँ पर बी आर माइनस कुछ अटैक करेगा इस तरह से और ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपको सब सब बनते नजर आ रहे होंगे तो यहाँ पे बी आर बी आर एंटी पोजिशन पे यहाँ पर सी सी एल एल एंटी पोजिशन पे यहाँ पर आई आई एंटी टी पोजीशन पे यहाँ पर बी आर और सी एल आई टी पोजिशन पे देखिए यहाँ पर आई सी एल एंटी टी पोजीशन पर आई बी आर एंटी टी पोजिशन पे बेटे और यहाँ पर हर जगह देखो करल सेंटर जनरेट हुआ है यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग है यहाँ पर आर एन एस बनेगा यहाँ भी आर एंड एन एस आर एनडस आर एन एस आर एंड एस तो दो दो, दो, दो हर सब में दो बनेंगे सब में पेयर ऑफ इनशियो बनेंगे और जितने बनेंगे, बनेंगे, भी पेयर ऑफ इनियोमस यहाँ पर बनेंगे आर एंड एस बनेगा वो क्या बनेगा रेसिमिंग मिक्सर यहां भी बनेगा रेसम यहां भी बनेगा और ये मिक्सर जो है ऑप्टिकली इन होगा सो ऑप्टिकली इन एक्टिव मिक्सर और मिक्सर ऑफ इनशियो मैस या पेयर ऑफ इनशियो मस बनेगा रेसिंग मिक्सर बनेगा एंड दैट विल बी ऑप्टिकली इन मिक्सर ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन बोलो बेटे कानी क्लियर तो देखो कितनी फास्ट और कितनी जबरदस्त तरीके से मैंने आपको इस बात को समझाने की कोशिश की और आप तरीके से समझ गए क्यों क्योंकि आपने इसको प्रॉपर बहुत बढ़िया तरीके से ऑलरेडी समझ रखा है सो नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ एचओ एक्स एंड एन एस एडिशन ऑफ एचओ एक्स एंड एनएससीएल देखिए अब है ना तो एच ओ एक्स मतलब एच ओ बी आर नहीं लिया चलो एचओ बी आर बेटा जो बी आर होता है वो बी आर प्लस होता है और हो एच ओ माइनस होता है तो आप समझ गए okay. क्या किसका जो यस yes.

ऐसे एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जैसे ये बनाया दूसरी क्या हो सकती है कि ये ब्रोकन हो जाए ओ हो जाए और भी यार ये हो जाए तो बेटा यहां पर दो बनेंगे है ना तो अगर एक तो दोनों क्या होंगे दूसरे की मेरा होंगे पेयर ऑफ इनशियो मर बने क्या बनेगा पेयर ऑफ इनशियो मर्स बन जाएंगे बोलो बेटे बोलो बेटे पेयर ऑफ क्या बन जाएंगे इनशियो मर्स ये ऑप्शन आपका रहेगा देखते जाए जनाब आप सम मोर अदर न्यूट्रल कंपाउंड विच बिहेवस एज नॉन क्लासिकल बिहेवियर ऑन अन्य कंपाउंड एच ओ एक्स की बात किया था करता ही करता है। तो में क्या हो एचओसीएल एचओ बी आर एच एंड एनओसीएल हो सकता है तो एचओसीएल में सीएल ओ बी आर में बी आर प्लस एच आई में आई प्लस ओ एच OH माइनस और एनओसीएल में बेटे सीएल माइनस और एनओ प्लस, प्लस होता है ध्यान रखिए तो भैया सिंपल है यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल वो बीच में फंसेगा अभी आपको समझाया था तो डायरेक्ट बना सकते हो ना बेटे यहाँ पर तो उसका सिर्फ थोड़ा यहां पर लगाया सीएल और यहां पर लगा दिया क्या बेटे देखो ओ एच देखिए सीएल ठीक है इसमें देखो बी आर प्लस है तो बी आर इधर लग जाएगा और वो एच आपको लग जाएगा आप फील कर पा रहे हो ये देखिए एच ओ आई में देखो इसको ऐसे तोड़ा तो आई इधर लग गया और एच ओ ऊपर लग गया देखिए एच ओ आई कहाँ गया तो ये देखिए यहां पे आई होगा ठीक है और एन सी एल में एनओ पॉजिटिव बैठे तो यहां पे देखिए इसको तोड़ा ऐसे तो एनओ यहां पर लग गया और आपका आई है ना सी एल आपका यहां लग गया सब में कैरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो सब आर एन एनडेस आर एंड बन जाएंगे बोले बैठे कानी क्लियर है क्या कहानी क्लियर है क्या अब यहाँ पर एक काम और हो सकता है वो भी देखेंगे अभी है ना एन वाला केस क्लियर है बेटा चलिए तो एनओ को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं एनओ को और थोड़ा डिटेल में समझने को सो एडिशन ऑफ एन एंड आई सी एल मजा आ रही ना बेटे तो कितना आसान होगा कि कितना तेजी से आप का काम कर पा रहे हो एंटी एडिशन होगा एनओ का या एनओ एक्स सी कह सकते हो ठीक है तो एनओ में सीएल माइनस और एनओ प्लस चलिए ठीक है ये आपका है तो ये एनओ प्लस है ना बेटे तो ये फंसेगा यहाँ पर तो वैसे देखो यहाँ पर क्या है सीएल एनओ तो ये टूटा यहां पे एनओ लग गया और यहां पर सीएल लग गया चलिए ठीक है ओके बढ़िया है। अब देखो क्या होगा बेटा एनओसीएल है तो यहां पर ये यह ये आपका आपका माइनस और प्लस एनओ प्लस देखो फंसा यहां पे अब सीएल माइनस क्या होगा बेटे बैक साइड से यहां पे अटैक करेगा ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां माइनस यहां पे प्लस आएगा और यहां पर सीएल यह आपके सामने कहानी क्लियर है आपके सामने कहानी एकदम क्लियर है आपके सामने कहानी एकदम क्लियर है अब इसमें देखो क्या है वो मैं जो समझाना चाह रहा था आपको कि देखो ये कंपाउंड है और यहां पर एनओसीएल है अब इसमें देखो क्या होगा यहां पर आपका दिख रहे हो एन ओ प्लस और सी एल माइनस है बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा है ना सीधे हम आपको दिखाते हैं जरा देखिएगा ध्यान से एनओ सी एल था एनओ सी एल था बेटा एन ओ प्लस और सी एल माइनस देखेगा तो एनओ प्लस फंसा यहाँ पे और सीएल माइनस ने बैक साइड से अटैक किया यहाँ तक तो हम समझ गए थे पर बेटा ये जो एनओ है डबल बॉन्ड ओ है तो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर मैकेनिज्म जो आप देखो यहाँ पर टोटोमेरिज्म हो जाएगा बेटे वन टू थ्री तो इसका हाइड्रोजन वन से थ्री में चला जाएगा तो देखिए वन से थ्री में चला गया यहाँ पर चला गया और डबल बॉन्ड टू थ्री से वन में चला जाएगा तो यहां एन ओ एच हो गया देखिए ऐसे सिंगल बॉन्ड है यहां पर देखिए ध्यान से एक हाइड्रोजन वन से थ्री में चला गया ओके पास चला गया देखिए ओ एच हो गया और ये डबल बॉन्ड है टू तो थ्री से टू वन में तो यहां पर सिंगल बचा देखो टू तो थ्री से टू वन में तो चला जाएगा यहां चला जाएगा देखिए तो यहां चला गया तो ये तो आपका ऑक्जाइम जाता है सो नाइट्रोसो ऑक्जाइम टॉटोमस क्या बोलता है ऑक्जाइम बन जाता है इसके लिए नाइट्रोसो टॉटोमस बात समझ रहा हूँ ये मैं आपको समझाना चाह रहा था थाल के साथ तो अब देखो एनसीसी का बेटा एकदम देखो ना कौन एन देख सकता है कौन नहीं देख सकता सारी चीज़ें एकदम क्लियर है ना अच्छे से बहुत बढ़िया आईसीएल वाला मैं रेंज ऑलरेडी बताई चुका हूँ तो ये इलेक्ट्रोफाइल ये बीच में जाके फंसेगा फंसेगास गया अभी ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा सी एल माइनस यहाँ से अटैक कर देगा अच्छे से एंटी में ठीक है अब वन इक्वलेंट हाइड्रोजन आपके पास है क्या बेटा यहाँ पर वन इक्वेलेंट हाइड्रोजन है तो ये वन इक्वेलेंट हाइड्रोजन ये एक्चुअली बेटा कटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन का केस हो जाता है कैसे हाइड्रोजनेशन का केस हो जाता है यहाँ पर क्या है रेजोनेंस हो जाता है बेटे है ना यहाँ पर हाइब्रिड जो बनता है तो यहाँ पर वन फॉर एडिशन होता है हाइड्रोजन और फोर पे लगता है डबल रेवलॉन शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाता है ये चीज़ हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन बहुत डिटेल में कर रखी है ठीक है तो आप एक बार एडिशन रिएक्शन भी चाहो तो देख सकते हो बहुत बढ़िया प्रॉपर तरीके से बताओ बेटा ये चीज़ मस्त और जबरदस्त तरीके से समझ में आए कि प्रॉपर एक मैकेनिज्म है ना कोई रट्टा नहीं मारना है अब आप सोचो ना बेटा कि किसी भी तरह का कंपाउंड आपके साथ अल्किंग के सामने आ जाए है ना बी आर टू उसके एन एस सी एल ओ है ना वाटर हो पोलर टिक सोलवेंट हो या पोलर अप्रोटिक सोलवेंट हो कैसा भी हो आपको पता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है पीपीएस -पी सॉल्वेंट है बेटे तो मेजर प्रोडक्ट सॉल्वेंट वाला बनेगा ध्यान रखना अगर पीएएस है तो नॉर्मल जैसे इसमें क्या है आपका पीएएस है नहीं मेंशन है मतलब इसमें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो देखो जो आपका सल्यूट पार्ट के लिए उसी से आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और उसी से न्यूक्लिफाइल जनरेट होगा वहीं से प्रोडक्ट बनेगा बट अगर आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ सोल्यूट वाला ही लोगे बट न्यूक् आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाला यूज करोगे राइट right? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बेटे तो ये आपको मैंने बताया मस्त और जबरदस्त तरीके से तो और आपने मस्त एंजॉय किया होगा बेटे बहुत मजा आया होगा आपको है ना और मुझे भी बहुत मजा आया बेटे सो आपको क्या करना है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है बेटे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में तब तक के लिए बेटे थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल लव यू ऑल खूब पढ़ो खूब लिखो खूब आगे बढ़ो वाई नॉट डी